लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी को बड़ा झटका। बिजनौर से सांसद मलूक नागर ने छोड़ी पार्टी। इस बार मायावती ने काट दिया था टिकट। मैं घर में नहीं बैठ सकता, इस्तीफे के बाद बोले मलूक नागर। कहा एक टर्म के बाद निकाल देना या घर पर बिठा देना बीएसपी का इतिहास रहा है। पीएम मोदी का आज उत्तराखंड और राजस्थान में दो चुनावी रैली। थोड़ी देर में ऋषिकेश में पहली जनसभा को करेंगे संबोधित। ऋषिकेश के बाद पीएम मोदी गणगौर के मौके पर पहुंचेंगे राजस्थान दोपहर 3:30 बजे। करौली धौलपुर लोकसभा सीट के सिद्धार्थ सिटी में जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी की रैली में भी सीएम भजनलाल शर्मा सहित राज्य बीजेपी के तमाम नेता रहेंगे मौजूद। बीजेपी उम्मीदवार इंदु देवी जाटव के पक्ष में वोट की करेंगे अपील। पीएम मोदी ने बुधवार को महाराष्ट्र के रामटेक में इंडिया अलायंस पर बोला हमला। पूछा क्या इमरजेंसी के दौरान खतरे में नहीं था लोकतंत्र। पीएम मोदी ने विपक्ष पर लगाया अफवाह फैलाने का आरोप। कहा गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन गया तो इनको लोकतंत्र खतरे में दिखाई देने लग गया। पीएम मोदी ने परिवारवाद पर बोला हमला। कहा परिवारवादी पार्टियों ने हमेशा संविधान की भावना पर अपमान किया। लोग जानते हैं कि कांग्रेस का चरित्र लोकतंत्र विरोधी है। राहुल गांधी की आज राजस्थान में दो चुनावी रैली। दोपहर 1 बजे बीकानेर लोकसभा सीट के अनूपगढ़ में जनसभा को करेंगे संबोधित। राहुल गांधी की दूसरी रैली जोधपुर लोकसभा सीट पर होगी। फलौदी में दोपहर 3:30 बजे कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट की करेंगे अपील। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का आज महाराष्ट्र एमपी तूफानी दौरा। बीजेपी के पक्ष में मांगे वोट। अमित शाह एमपी के मंडला में दोपहर 1:30 बजे करेंगे जनसभा। रैली में पहले नर्मदा के घाट पर पूजा और सर्किट हाउस के पास रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। मंडला के बाद अमित शाह दोपहर 2:50 पर कटनी पहुंचेंगे। विजयनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना के बाद दोपहर 3:10 पर रैली को करेंगे संबोधित। अमित शाह महाराष्ट्र में करेंगे पहली चुनावी रैली। मराठवाड़ा के नांदेड़ में बीजेपी उम्मीदवार प्रताप पाटिल चिखलीकर के लिए करेंगे वोट की अपील। सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। गंगटोक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जारी किया। मैनिफेस्टो जारी करने के बाद जेपी नड्डा बोले मोदी सरकार आने के बाद खत्म हुई नॉर्थ ईस्ट की अनदेखी। पहले की सरकारें अलगाव और अज्ञानता की करती हैं विश्वास। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने केरल के अलप्पाजू में किया चुनाव प्रचार। कांग्रेस ने अलप्पाजू में वेणुगोपाल को उतारा मैदान में। एनडीए के 400 पार के दावे पर बोले कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल वो देश में 200 सीटें भी पार नहीं करने जा रहे। लोकतंत्र में कोई भी कुछ भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। तेजस्वी के बयान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का पलटवार। कहा 17 महीने की नौकरी तो हमने आपको दी, आप असफल हुए तो हमने आपको बर्खास्त किया। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कोई ब्लास्ट होता है तो बीजेपी एनआईए को गिरफ्तार करने के लिए भेज देती है। सबको गिरफ्तार करते करते आपका देश ही सुना हो जाएगा। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी झूठ का सहारा लेकर कर रही है काम। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया। कहा बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी, लोकतंत्र में इससे खतरनाक काम क्या हो सकता है। गाजीपुर से बीजेपी ने पारसनाथ राय को दिया टिकट। सपा के उम्मीदवार अफजाल अंसारी से होगी टक्कर। पारसनाथ ने खुद को बताया सिपाही। कहा सामने कोई भी हो मैं एक सिपाही की तरह लड़ूंगा और लड़ता रहूंगा। केजरीवाल की याचिका पर 15 अप्रैल को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने दी चुनौती। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पहला इस्तीफा। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार बासरी स्वराज ने पूछा केजरीवाल का जमीन कब जागेगा। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को वैध कहा और राजकुमार आनंद ने उनका साथ छोड़ दिया। रविशंकर प्रसाद ने राजकुमार आनंद को बताया केजरीवाल से पीड़ित। कहा केजरीवाल का असली चेहरा सामने आ रहा है तो उनके साथी असहज महसूस कर रहे हैं। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का चुनावी कैंपेन जारी। माधवी लता ने जीत का किया दावा। कहा हैदराबाद हम दिखा के रहेंगे। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू और जनसेना प्रमुख पवन कल्याण का रोड शो। भारी संख्या में रैली में शामिल हुए लोग। उत्तराखंड के रुड़की में हरीश रावत का चुनाव प्रचार। कैंपेन के दौरान दुकान पर छोले बनाकर ग्राहकों को परोसा। दक्षिण चेन्नई सीट से बीजेपी उम्मीदवार तिमिलिसाई सुंदरराजन ने तेज किया चुनाव प्रचार। सब्जी व्यापारियों से की मुलाकात। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जमकर हुई बमबाजी। टीएमसी के दो गुटों में हुई झड़प के बाद दोनों तरफ से चलकर बमबाजी से इलाके में अफरा तफरी का माहौल। अपने अपने घरों में छुपे लोग इलाके में की गई पुलिस के जवानों ने तैनाती। टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने भारत दौरे को लेकर ट्वीट किया। लिखा पीएम मोदी से मिलने के लिए उत्सुक। अप्रैल के अंत में भारत आएगा एलन मस्क। भारत में निवेश और नई फैक्ट्री खोलने पर हो सकती है बातचीत। एलन मस्क नई इलेक्ट्रिक कार प्लांट को लेकर कर सकते हैं ऐलान। एलन मस्क पहली बार आएंगे भारत। एशिया विकास बैंक ने बढ़ाया भारत के जीडीपी अनुमान। जीडीपी वृद्धि का अनुमान 6.7% से बढ़कर 7% किया गया। यूएस आर्मी पैसिफिक में भारत अमेरिका कार्यकारी संचालन समूह की बैठक। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग के लिए होती है ESG की बैठक। पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। एक आतंकी के मारे जाने की खबर। एक आतंकी के छुपे होने की आशंका। सर्च ऑपरेशन जारी। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में बड़ा झटका।
हादसा हुआ और हादसे में 5 बच्चों की मौत, कई बच्चे घायल। निजी स्कूल के बस में पलटने की वजह से 5 बच्चों की मौत। महेंद्रगढ़ में कनीना दादरी मार्ग पर बस अनियंत्रित होकर पलटी। नोएडा में जीएसटी फ्रॉड केस में आरोपी तुषार गुप्ता गिरफ्तार। मामले में अब तक कुल 33 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। मणिपुर के उखरुल में असम राइफल्स ने 13 लाख से अधिक कैश के साथ एक शख्स को पकड़ा। एक कार्बाइन, मशीन गन, पिस्तौल, ग्रेनेड और गोला बारूद भी बरामद। मणिपुर पुलिस के साथ कार्रवाई। तेलंगाना के रंगारेड्डी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2,15,00,000 के अवैध सिगरेट की खेप बरामद। ट्रक से जा रहा था सिगरेट, पुलिस ने जांच कर जब्त किया। सिगरेट ले जा रहे 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यूपी के नोएडा में एक फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग। नोएडा सेक्टर 10 में गोदाम में आग लगने की वजह से अफरातफरी मची। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। आग से किसी की जान को नुकसान नहीं। गोदाम में रखा सामान जलकर खाक। हरियाणा के करनाल में मंडी पहुंचने लगे किसान। शुरुआत में गेहूं की खरीद में कमी से मायूसी। किसानों को उम्मीद आने वाले दिनों में फसलों के लिए मिलेंगे खरीदार। गुजरात के तापी में दर्दनाक सड़क हादसा। पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में 3 लोगों की मौत। तमिलनाडु के कन्नूर में शरारती तत्वों ने सूखे पौधों और कचरे में लगाई आग। पास खड़ी 3 कार भी जलकर खाक। मणिपुर के विष्णुपुर का शिल्प गांव कारीगरों के लिए बना वरदान। पर्यटकों का लग रहा है जमावड़ा। तमिलनाडु के नीलगिरी में अपनी मां से बिछड़े हाथी के 2 बच्चे। दोनों को मुदुमलाई शिविर में लाकर की जा रही है देखभाल। हिमाचल प्रदेश के धौलाधर पर्वत कर ताजा बर्फबारी। भारी बर्फबारी से ढका पर्वत, दूर से दिख रही है खूबसूरत नजारा। चैत्र नवरात्र का 3रा दिन दिल्ली में छतरपुर के मां कात्यायनी देवी मंदिर में सुबह की गई आरती। यूपी के मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी देवी की दरबार में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। चैत्र नवरात्र के 3रे दिन की पूजा अर्चना। जम्मू कश्मीर के टिटवाल में नवरात्र पर भक्तों ने लगाई आस्था की डुबकी। मां शारदा मंदिर में लोगों ने की पूजा। एलओसी के करीब किशन गंगा नदी के तट पर आरती की गई। आजादी के 75 साल बाद पहली बार गंगा आरती। ओडिशा के बालासोर में चड़क मेला का आयोजन हुआ। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भगवान चंद्रनेश्वर की पूजा की। एमपी के सीएम मोहन यादव उज्जैन में सिंधी समुदाय के कार्यक्रम में शामिल। धूमधाम से मनाया गया झूलेलाल जन्मोत्सव। असम के गुवाहाटी में बिहू उत्सव को लेकर वर्कशॉप का आयोजन। सैकड़ों महिलाएं और स्कूली छात्राएं वर्कशॉप में शामिल। दिल्ली के जामा मस्जिद में सुबह सुबह ईद की नमाज की गई अदा। लोगों ने अमन की दुआ की। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने की नमाज अदा। दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित पंजा शरीफ दरगाह में नमाज अदा की। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने सबके लिए कहा ईद मुबारक। बोले अल्लाह दुनिया भर के लोगों का रोजा स्वीकार करे। मुंबई के माहिम दरगाह में बड़ी संख्या में पहुंचे मुस्लिम भाई। अदा की ईद की नमाज। भोपाल में भी ईद की धूम। बड़ी संख्या में मुस्लिमों ने अदा की ईद की नमाज। जयपुर में नमाजियों की उमड़ी भारी भीड़। हजारों लोगों ने अदा की ईद की नमाज। इफ्तार में शामिल हुए भारत के अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सिटी। कहा ये महीना भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का उत्सव रहा। हमास नेता इस्माइल हानिया के 3 बेटों की इजरायली हमले में मौत। इजरायली वायुसेना ने गाजा पट्टी में एयर स्ट्राइक कर उड़ाई कार। हानिया को दोहा में मिली 3 बेटों और 3 पोते पोतियों की मौत की खबर। दोहा में एक अस्पताल में गाजा के घायलों के मिलने के लिए पहुंचा था हानिया। हानिया के बेटों की मौत के बाद कहा गाजा के लोगों ने अपने बच्चों के खून से चुकाई है कीमत। मैं भी उन्हीं लोगों में से शामिल। सेंट्रल गाजा के जवादा में इजरायली हमले में 11 लोगों की मौत। रिहायशी इलाके पर इजरायली बमबारी। इजरायली मिसाइल ने एक मकान को किया टारगेट। धमाके के बाद मकान की जगह पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। इजरायली हमले में अब तक गाजा में 33,360 फिलिस्तीनियों की मौत। 76,000 से ज्यादा लोग घायल। यूक्रेन के लिप्सी में एक गांव पर रूस का मिसाइल अटैक। 14 साल के एक बच्ची सहित 3 लोगों की मौत। रूसी हमले में 2 दुकानें हुई तबाह। रूसी सीमा से सटा है पूर्वोत्तर खार्किव का लिप्सी इलाका। यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में हुए रूसी हमले में अब तक 3 लोगों की मौत। 13 साल का एक बच्चा भी हमले में मारा गया। रूसी मिसाइल अटैक में 2 मंजिला इमारत हुई तबाह। फिलहाल हमले में घायल 3 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। कजाकिस्तान में बाढ़ से बचाव के लिए उड़ाए जा रहे छोटे छोटे वाहन। स्थानीय किसानों ने पानी जमा करने के लिए जगह जगह बनाए हैं बांध। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक बांध के टूटने से जमा पानी के कैस्पियन सागर की तरफ बहने का रास्ता खुला। बाढ़ के जलस्तर में आई कमी।
उत्तरी केन्या में बाढ़ के पानी में फंसी यात्रियों से भरी बस, कई यात्री जान बचाने के लिए बस की छत पर सवार हुए। स्थानीय प्रशासन ने लोकल लोगों की मदद से चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। रस्सी के सहारे 51 यात्रियों को बाहर निकाला गया। अमेरिका के टेक्सास में तेज तूफान ने मचाई भारी तबाही। हुडसन में बारिश और तूफान की वजह से कई मकान और दुकान तबाह। रूस में अंगारा A5 रॉकेट के प्रक्षेपण की दूसरी कोशिश नाकाम। वोस्टोचन स्पेसपोर्ट में एक रॉकेट का लॉन्च तय समय से ठीक 2 मिनट पहले किया गया रद्द। भारी वजन ले जाने की वजह से सक्षम अंगारा A5 रॉकेट के ऑक्सीडाइजर टैंक की दबाव प्रणाली में आई खराबी। रॉकेट का लॉन्च कम से कम 1 दिन के लिए टाला गया। IPL में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगी भिड़ंत। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा मुकाबला। IPL में अब तक RCB पर मुंबई का पलड़ा भारी रहा। मुंबई और बेंगलुरु के बीच अब तक 32 बार हुई भिड़ंत। मुंबई ने 18 और बेंगलुरु ने 14 मैच जीते। RCB को पिछले 3 मुकाबलों में करना पड़ा हार का सामना। शुरुआती 3 मुकाबलों में हार के बाद मुंबई ने दिल्ली के खिलाफ जीता पिछला मैच। राशिद खान और राहुल तेवतिया ने छीनी राजस्थान के जबड़े से जीत। रोमांचक मुकाबले में गुजरात ने राजस्थान को 3 विकेट से हराया। राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को दिया था 197 रनों का लक्ष्य। गुजरात ने आखिरी बॉल में जीत हासिल की। राशिद खान और राहुल तेवतिया ने खेली ताबड़तोड़ पारी। दोनों ने आखिरी 12 बॉल में 35 रन बनाए। कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने गुजरात को अच्छी शुरुआत दिलाई। शुभमन ने 72 और साई सुदर्शन ने 35 रन बनाए। राजस्थान के लिए रियाग पराग और संजू सैमसन ने जड़ी 50। पराग ने 76 रन और सैमसन ने नाबाद 68 रन बनाए। ICC ने बल्लेबाजों की नई टेस्ट रैंकिंग जारी की। टॉप 10 में 3 भारतीय खिलाड़ी शामिल। ऋषभ पंत 15वें नंबर पर पहुंचे। आर अश्विन का टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में टॉप पर बराबर जसप्रीत बुमराह और ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड 2 नंबर पर। हार्दिक पांड्या अपने भाई कुणाल पांड्या और ईशान किशन के साथ पहुंचे मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर। गणपति बप्पा का लिया आशीर्वाद। IOA चीफ PT उषा ने कार्यकारी सदस्यों को लिखा पत्र, कहा मुझे दरकिनार करने का हो रहा प्रयास। PT उषा के बयान पर पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा का बयान सामने आया, कहा किसी को नौकरी देना या निकालना IAO अध्यक्ष के अधिकार में नहीं है।